नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप कुमार और आपका स्वागत है मेरे शो चंद मिनट संदीप के साथ में। अभी जब ध्रुवीकरण की राजनीति चरम पर है, वहाँ हमें मुस्लिम का डर दिखाया जाता है, मुस्लिम धर्म के द्वारा प्रोसिक्यूशन का डर दिखाया जाता है। हमें ये बताया जाता है कि पाकिस्तान में हिंदुओं का प्रतिशत इतना था, वह इतना हो गया घट के। तो आपको मैं बता दूँ कि ये जो मुस्लिम का डर है, इस डर से हमें कैसे निजात पाना है। जब इसकी बात करते हैं तो मुझे याद आता है बाबा साहब की एक भाषण जिसका नाम था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। यह भाषण जब बाबा साहब को देने के लिए जाना था और जो आयोजक मंडल थे उनको उन्होंने उसकी प्रति भेजी, तो उस समय आयोजक मंडल ने कहा कि इसमें से कुछ शब्दों को छांट दें, कुछ वाक्यों को हटा दें। बाबा साहब ने कहा कि इस भाषण में से मैं एक कॉमा भी नहीं उठाऊँगा। तो जब मैं आपको आज एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के बारे में बता रहा हूँ तो आपको ध्यान से सुनना चाहिए उसका महत्व आज के दिन में इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में बाबा साहब ने बताया कि हिंदू जो है सो कोई धर्म तो था ही नहीं, यह अलग अलग जातियों का समुच्चय था और इन्हें अपने हिंदू होने का एहसास तो कम से कम नहीं ही था। यहाँ लोग अपने अपने कास्ट की आइडेंटिटी के लिए फाइट करते थे। वो तो मुसलमान ही थे जो हिंदुस्तान आए और उन्होंने अपने से अलग होने के लिए हिंदुओं को एक अलग पहचान दी। सिंधु नदी के इस तरफ रहने वाले लोगों को उन्होंने हिंदू का नामकरण दिया। हिंदुओं को जितना डर मुसलमानों से है और अपने हिंदू होने का एहसास तब आता है जबकि मुसलमान उन्हें परेशान करते हैं, उनका धर्म परिवर्तन कराते हैं या उन पर आक्रमण करते हैं। हिंदुओं का यह आरोप हमेशा रहता है कि मुसलमान जो है सो काफ़ी संगठित रहते हैं, फेलो फीलिंग उनमें बहुत ज़्यादा है। मुसलमान रोहिंग्या के लिए लड़ते हैं, मुसलमान तुर्की में रहने वाले मुसलमानों के लिए लड़ते हैं, हिंदुओं में यह भावना है भी नहीं है। तो हिंदुओं में यह भावना, बाबा साहब ने इसको समझाया इस तरीके से कि हिंदुओं में यह भावना हो भी नहीं सकती है क्योंकि हिंदू अपनी कास्ट आइडेंटिटी से बाहर कभी निकल नहीं पाते हैं। एक तरह के कास्ट का एक तरह का रहन सहन, कल्चर, खान पान और शादी ब्याह, रिश्तेदारी, सब कुछ उनके अपने कास्ट में होती है। कास्ट से बाहर जाने का वो कभी साहस ही नहीं दिखा पाते। उन्हें हिंदू होने का एहसास, उनके पूजा पद्धति सबकी सेम है, सबकी एक तरह की है, इसका यह मतलब नहीं है कि उनका आपस में जुड़ाव है। अगर ऐसा होता तो आदिवासियों की ये स्थिति नहीं होती, हमारे हिंदू की जाति व्यवस्था में जो ऊंच नीच का भेदभाव है वो शायद नहीं होता। हम अपने कास्ट में ही सिमट कर रह जाते हैं, हम उस चूहे की तरह हैं जो अपने बिल में ही रहते हैं और बाहर किसी से मिलना नहीं चाहते हैं। यह आइडेंटिटी क्राइसिस हिंदुओं में ज़्यादा है, सिख और मुसलमानों में नहीं। लेकिन इसके बाद इससे एक अलग अहम सवाल उठता है कि सिख और मुसलमानों में जो है सो आइडेंटिटी अपने भाई भाई होने की जो फीलिंग है वो ज़्यादा है, हिंदुओं में नहीं है। लेकिन सिख को मुस्लिम से अलग एक बात करती है, वह बात है कि धर्म को बढ़ाने का की चाहत, यह मुस्लिम में सिख संप्रदाय में नहीं है लेकिन मुस्लिम में यह है। तो इसका एक कारण है, बाबा साहब ने इस पर हाईलाइट किया कि हिंदुओं की समस्या मीननेस है। अंग्रेजी में उन्होंने जब लिखा था भाषण को तो उसमें वर्ड यूज़ किया था कि क्रुएलिटी अगर मुस्लिमों में है तो हिंदुओं में मीननेस है, मीननेस इज़ मोर डेंजरस देन क्रुएलिटी। इस बात को बाबा साहब ने कहा। बाबा साहब ने हिंदुओं पर कड़ा प्रहार किया, हिंदुओं की वर्ण जाति व्यवस्था पर बहुत ही कड़ा प्रहार किया और उन्होंने कहा हिंदू तभी संगठित हो सकते हैं जब तक वह अपने जाति व्यवस्था के इस प्रपंच से बाहर नहीं निकलते हैं, और इससे बाहर निकलना उनके हिसाब से काफ़ी मुश्किल था। यह बात बाबा साहब ने आज से कई साल पहले कही थी और इस बात को गुजरे हुए कई साल हो गए, यह बात आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। जहां हम हिंदू राष्ट्र बनाने की कल्पना करते हैं वहां हम जातिवाद से लड़ने की बात नहीं करते हैं। अगर हम जातिवाद से अलग नहीं होते हैं तो हिंदू राष्ट्र एक कोरी कल्पना ही रह जाएगी। जातियों को अपने अपने जातियों से निकलकर बाहर आना होगा और यह इतना आसान नहीं है। पूजा पद्धति से लेकर हर जगह उन्हें देखिए, मुस्लिम जो हिंदुस्तान में आए उनमें यह कुरीति थोड़ी बहुत शामिल हुई, मगर उनके लिए मुस्लिम होने की आइडेंटिटी प्रथम है और जाति किसी मुस्लिम में अगर यहाँ पर जाति में बटे हुए हैं तो वो उनकी आइडेंटिटी का दूसरा हिस्सा है। हिंदुओं की समस्या यह है कि उनके लिए पहली आइडेंटिटी उनकी जाति होती है, कास्ट होती है, सेकेंड आइडेंटिटी उनके लिए जो है हिंदू होना होता है, वो भी तब जबकि आप किसी से प्रोसिक्यूटेड होते हैं, किसी से परेशान होते हैं, कोई आपको तबाह कर रहा होता है, अन्यथा आपको हिंदू होने का ख्याल नहीं आता है।
तो बाबा साहब की के उस भाषण का नाम है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। इसके मैंने कुछ चंद लाइनों को आपको बताया और मैं आपके सामने इसको हाईलाइट करना चाहता हूँ और इस बात को बताना चाहता हूँ, अगर आपको समस्याओं से लड़ना है, जिस समस्या का डर आपको अभी सरकार दिखाती है कि मुस्लिम आएंगे आपके आपके को जबरन धर्म परिवर्तन करवा देंगे, तो इसका एक ही उपाय है कि आपको अपनी जाति व्यवस्था के दीवारों को ढहाना होगा। इसके अलावा कोई और उपाय नहीं है, वरना आप एक वोट बैंक की तरह यूज किए जाएंगे। समय समय पर सत्ता परिवर्तन आपको एक वोट बैंक की तरह सत्ता इस्तेमाल करेगी, कभी जाति के नाम पे, कभी और धर्म के नाम पे। पहले आपको जाति के नाम पर संगठित करके वोट लिया गया था, अब आपको धर्म के नाम पे लिया जा रहा है, लेकिन इससे आपका भला नहीं होगा। तो इस बात को ध्यान में रखिए। आने वाले समय में मैं आपके लिए और भी नए नए विषयों पर बात करूँगा। मेरा नाम है संदीप कुमार और आप देखते रहिए चंद मिनट संदीप के साथ। धन्यवाद।